बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डेनमार्क की शादियां रिजेक्ट हो गई हैं, जिनको मैं जानता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी हैं जिनकी डेनमार्क की शादियां रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि उनको डुलडुंग लगी हुई थी, उन लोगों ने डुलडुंग के। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सलमान डेली व्लॉग। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है जर्मन मैरिज लॉ, मतलब मैरिज। इसमें दो तरीके के मैरिज होते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि दो टाइप्स की मैरिज होती हैं। एक जो मैरिज होती है वो आप जाके किसी लड़की के साथ पेपर पे कोई एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं, उससे आप एग्रीमेंट करते हैं 10,000 यूरो 15,000 यूरो, उससे एग्रीमेंट करके आप चले जाते हैं डेनमार्क, डेनमार्क में जाके शादी करके आते हैं, शादी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, आप अपने पेपर सारे सबमिट करते हैं। यह होता है एक पेपर, मतलब कि पेपर मैरिज हो गया, किसी एग्रीमेंट के थ्रू हो गया। वो एग्रीमेंट क्या होगा वो आपको खुद तय करना है कि लड़की को आप फर्स्ट जो अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट वीज़ा जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं वहाँ पर आप कितनी पेमेंट करते हैं, 2,000 यूरो करते हैं, 3,000 यूरो करते हैं, आपका एग्रीमेंट किस लेवल पे किस तरीके से तय हुआ है। 15,000 यूरो आप एक साथ देंगे या 2,000 यूरो हर पीरियड पे जब आप फॉरेन ऑफिस जाएंगे उस टाइम दे, मतलब किसी तरीके से आप एग्रीमेंट करेंगे, उससे एग्रीमेंट हो जाता है। वो लड़की आपके साथ हर दफ़ा जब भी आपके अपॉइंटमेंट होती है लड़की आपके साथ जाती है, आपके साथ आपके फॉरेन ऑफिस जाती है, फॉरेन ऑफिस में शो करती है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये वो जो एक गेम खेला जाता है पेपर मैरिज का वो करते हैं। तो अभी इसमें पेपर मैरिज में सबसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, पेपर मैरिज में आप लोगों को ख्याल क्या रखना होता है, और ज़्यादातर बहुत सारे लोग वो गलत फहमी में पड़ जाते हैं और उन वो लोग ये चीज़ें देखते ही एकदम गलत फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। देखें, अभी आप जो शादी कर रहे हैं वो जर्मन लड़की से, प्योर जर्मन लड़की से कर रहे हैं या वो जर्मन लड़की नहीं है, मिसाल के तौर पर इटली, रोमानिया, बुल्गारिया से यहाँ पर आई है और उसका बैकग्राउंड कहीं और से है और आपने उसके पास जर्मन डॉक्यूमेंट्स है, आपने शादी कर ली। देखें, अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये सीन हुआ कि उन लोगों ने शादियां तो कर ली, उन लोगों ने, लड़की ने डिमांड की कि मुझे पूरी पेमेंट दे दें, उस बंदे ने पूरी पेमेंट दे दी, उसके बाद लड़की ने कुछ टाइम के बाद लड़की कोर्ट पर हाजिर नहीं हुई, मतलब कोर्ट पर नहीं, मतलब फॉरेन ऑफिस में वो नहीं पहुंची। उसके बाद ये पता चला कि लड़की जहाँ की है, जिसका बैकग्राउंड रोमानिया बुल्गारिया से, तो वो वहाँ पर चली गई अपनी फैमिली के साथ, वो नहीं आई, उनके पैसे भी ज़ाया हो गए, यूरोज ज़ाया हो गए, उनका टाइम भी ज़ाया हो गया, क्लेम भी नहीं कर सकते, अगर क्लेम करते हैं तो खुद फंस जाते हैं। तो ऐसे सीन बहुत सारे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा कि अगर आप लोगों को पेपर मैरिज करनी है, या तो आप किसी के थ्रू करें, या तो आपके कोई दोस्त हो, उसकी फैमिली में से कोई हो, अगर वो आपकी मदद करना चाहते हैं। जर्मन लोगों की एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जर्मन लोग जो हैं वो दिल के बहुत साफ हैं। दिल के साफ मीन, अगर कोई भी लड़की आपसे पेपर मैरिज करती है, अगर वो आपकी मदद करना चाहेगी तो वो आपको कहेगी ठीक है मैं आपकी मदद करूंगी, आप मुझे कुछ एक यूरो भी ना दे। कुछ औरतें हैं वो आपसे डिमांड करेंगी, मगर वो अपनी एग्रीमेंट पे, अगर वो जर्मन होगी, प्योर जर्मन होगी, मतलब कि वो फैमिली बैकग्राउंड पूरा जर्मन होगा, वो अपने उसूल पर, उसूल से नहीं हटेगी। अगर उसने कहा कि मैं आपके साथ फॉरेन ऑफिस जाऊंगी तो वो आपके साथ फॉरेन ऑफिस जाएगी, अगर वो कहेगी मैं नहीं जाऊंगी तो वो नहीं जाएगी, अगर वो कहे कि आप मुझे 2,000 यूरो दें, आप 2,000 यूरो लेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगी। मगर अभी इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, जो लोग यहाँ पर शादी करते हैं वो सबसे पहले सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद आप शादी के लिए, पेपर मैरिज के लिए आप ये स्टेप लें। अभी सेकंड हो जाता है अगर आप किसी से पेपर मैरिज करते हैं, ज़्यादातर मैं बात करूंगा जर्मन लड़कियों की, बहुत सारी जर्मन लड़कियां ऐसी होती हैं कि अगर आप उससे डिमांड करते हैं कि मैं आपसे पेपर मैरिज करना चाहता हूं, आपको मैं 15,000 यूरो दूंगा और हर स्टेप पर, हर फॉरेन ऑफिस की जो जो हमारी डेट होगी उसमें अपॉइंटमेंट में मैं आपको 2,000 यूरो दूंगा। अभी इसमें से क्या हुआ, जो जो जर्मन लड़कियों को मैं जानता हूँ, जो पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ, जो भी इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था उसको मैं जानता हूँ, उसने भी एक लड़की से पेपर मैरिज की, लड़की ने आखिर में कुछ टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो लड़की उसके साथ रही, साथ रहने के उसके बाद लड़की ने कहा कि नहीं मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा करेक्टर बहुत अच्छा लगा,
बाहर में जाइए यूरोस, मुझे यूरो नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे साथ प्रॉपर तरीके से रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ पक्की, मतलब कि मैरिज तो हो चुकी है, मैं तुम्हारा नाम लूंगी, तुम्हारा फैमिली नाम ले लूंगी। अभी वो लड़का है, उसको माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, वो उस लड़की के साथ बिल्कुल खुश है। अभी बांग्लादेश गया, बांग्लादेश में घूम कर आया, लड़की बांग्लादेश भी गई। फिर उसके बाद एक इंडियन लड़का है, राहुल नाम है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में था। उसको जो लड़की मिली वो भी जर्मन लड़की थी, जर्मन लड़की से यूनिवर्सिटी में से प्यार हो गया और शादी हो गई, वो इंडिया चली गई। अभी वो इंडिया में, कलकत्ता में, पता नहीं बेंगलोर में कहाँ पे वो रहते हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो लड़की जो जो जर्मन लड़की होती है ना, वो सिंसियर होती है, वो आपको धोखा नहीं देगी। अगर वो जर्मन होगी, अगर वो कोई और बैकग्राउंड से है और जर्मन में रहकर और जर्मन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको हमेशा धोखा देगी। वो आपको इतना इजी आपको पेपर दिलवाने में मदद नहीं करेगी। अभी मैं आप लोगों को एंड में कुछ जो अहम बातें बताने वाला हूँ वो ये कि अगर आप किसी जर्मनी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आप उसको डेनमार्क में शादी ना करें, आप उसको लेकर जाएं सीधा अपने कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लेकर जाएं। क्यों वहाँ पर लेकर जाएं, उससे फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा, उसका फ़ायदा मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मैंने शादी की तो मैं भी पाकिस्तान में मैंने शादी की, यहाँ पे भी की मगर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में शादी करने का मतलब ये कि अगर आप लड़की को यहाँ से लेकर जाते हैं पाकिस्तान, वो 1 महीना आपके साथ रहती है, आपकी शादी अटेंड करती है, फोटो आपकी वीडियो बनती है, सारी फैमिलीज के साथ होती है, लड़की खुश होती है। फिर वो जो शादी है, आप इधर जब जर्मनी आते हैं उसको रिकनाइज करने के लिए, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्टाम्प है वहाँ पर आप जब डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपकी शादी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो आप लोगों को कहेंगे हम आपकी शादी को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आपकी जो वाइफ होंगी वो आपके साथ होगी, तो आप कहेंगे कि भाई मैंने शादी मैंने पाकिस्तान में की है, ये लड़की मेरे साथ चली है। क्योंकि बहुत सारे जर्मन कहते हैं आपने इसका ब्रेन वॉश किया, या तो आपने पैसों के लिए शादी। तो जर्मन लड़की कभी भी ऐसे आपके साथ नहीं जाएगी, जब वो आपके कंट्री जाके शादी करेगी तो वो जो शादी है वो रिकनाइज होती है। उसको रिकनाइज पहले नहीं करते थे, अभी रिकनाइज होती है। उसमें क्या करना होता है कि अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, निकाहनामा है, निकाहनामा को जो आपके मस्जिद में निकाह हुआ है या आपके घर में निकाह हुआ है, उस निकाहनामे को पूरा करना है, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने के बाद स्टैंडर्ड साम जाना है, स्टैंडर्ड साम में आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट जमा कराने। उसकी फीस पहले थी 350 यूरो, अभी तकरीबन 750 यूरो। 750 यूरो आपसे लेंगे, वो स्टैंडर्ड साम में आप जमा करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होगा, वो डायरेक्ट जाएंगे, वो आपके कंट्री जाएंगे, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, जहाँ पे भी है, वो आपके जो वहाँ पे मैरिज, मतलब कि वहाँ पर जहाँ मस्जिद में शादी हुई या निकाह हुआ, मस्जिद के जो कम्युनिटी है वहाँ से पूछेंगे सारा कुछ। जर्मन नहीं पूछेंगे, जर्मन एम्बेसी वाले वकील को भेजेंगे, जो वकील होगा वो सारे एरिया से पूछेगा, भाई ये लड़का है आपके एरिया में रहता है, कितने साल से रहता है, पहले शादीशुदा है, नहीं है, अनमैरिड है, मैरिड है, तो वो सारी चीज़ें पता करके, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो शादी होती है अथेंटिक शादी, उसमें कोई 2 नंबरी नहीं होती। जब वो आपकी शादी रिकनाइज हो जाती है तो आपको जर्मन पेपर इजी मिल जाते हैं, जर्मन पेपर मिलने में बहुत आपकी मदद मिल जाती है, आपका जल्दी मतलब कि काम जल्दी हो जाता है, आपको विद इन 3 ईयर्स में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप डेनमार्क वगैरह से शादी करते हैं, वो शादियां कामयाब तो हो जाती हैं मगर उनको बहुत लॉन्ग टर्म के बाद उनको पेपर मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको अभी तक पेपर नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने इससे एग्रीमेंट में शादी की, क्योंकि क्योंकि डेनमार्क में शादी जल्दी हो जाती है। अगर आपके पास पेपर नहीं भी, प्रॉपर तरीके से नहीं भी है, आप जमा करवा दो, कोई गवाह की जरूरत नहीं, आपने शादी कर ली, अंगूठी पहना दी, शादी कर दी। इसलिए कि जर्मन गवर्नमेंट है, यहाँ की शादियाँ इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, उनको पता है ये रेफ्यूजीज हैं, जाते हैं वहाँ पर जर्मन लड़की से, क्योंकि बातें बहुत निकल गई, बहुत लड़कियों को धोखा मिला, तो इसी वजह से उन लोगों ने ये जो लॉ है थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वैसा होगा। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपने जो जो अपनी दोस्त होगी से शादी करना चाहते हैं, उसको अपने कंट्री लेकर जाएं, वहाँ पर शादी करें, वहाँ पर शादी करें, वहाँ पर वीडियो बनाएं अपनी फैमिलीज के साथ, सारे सबके साथ, वो एल्बम बना के आप इधर लेकर आएं फॉरेन ऑफिस में या स्टैंडर्ड सामने, आप वहाँ पर शो करें कि देखें ये लड़की मेरे साथ गई, शादी की, खुश है, मेरी फैमिली के साथ, एक्सेप्ट किया हर चीज़, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी इजी एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो शादी करने के 2 तरीके हैं और प्रॉपर तरीके हैं,
आप लोग शादी करें तो प्रॉपर तरीके से करें, ऐसे ना करें कि आप डेनमार्क में जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डेनमार्क की शादियां रिजेक्ट हो गई हैं, जिनको मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी हैं जिनकी डेनमार्क की शादियां रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि उनको डुलडुंग लगी हुई थी, उन लोगों ने डुलडुंग के थ्रू, जब डुलडुंग लगी हुई थी गए शादी करने के लिए और वहां से जब यहाँ पर आए, जब सबमिट कराया, उन्होंने कहा आपको तो डुलडुंग लगी है, इसका मतलब आपने पासपोर्ट के लिए शादी की है, उसकी शादी कैंसिल कर दी। अभी वो वकील के पीछे भाग रहे हैं, वकील उनसे बहुत पैसे बटोर रहा है, यूरोज बटोर रहा है, मगर उनका केस आगे नहीं चल रहा, पेंडिंग में बैठा हुआ है। तो अगर शादी करें तो प्रॉपर तरीके से करें, सोच समझ के करें। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।